भविष्य मालिका एक ऐसी किताब है जिसमें छुपा है दुनिया के अंत का सच। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पूजा दी कोट्स पर। ऐसा माना जाता है कि भविष्य मालिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें तकरीबन 600 साल पहले ही कोविड जैसी महामारी के बारे में लिखा जा चुका था। यहाँ तक कि जापान में आए 1 जनवरी 2024 के अर्थक्वेक के बारे में भी बताया जा चुका था। यही नहीं, इस पुराण में तो World War III के बारे में भी जानकारी दी गई है। भविष्य बताने वाली इस किताब की माने तो आने वाले समय में पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। प्रकृति का विकराल रूप सामने आएगा। इतने भीषण अर्थक्वेक आएंगे कि पहाड़ समुद्र में तब्दील हो जाएंगे और पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। और इस विनाश की शुरुआत 2020 से हो भी चुकी है। इस पुस्तक में चेतावनियों के साथ साथ उन आपदाओं से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। यहाँ पर ये बताना जरूरी हो जाता है कि भविष्य मालिका ने आज तक जितने भी प्रिडिक्शंस की हैं, वे सभी सच हुई हैं। और हाँ, भविष्य मालिका के मुताबिक आने वाले कुछ सालों के भीतर पूरी दुनिया में मात्र 60,000 करोड़ लोग ही जीवित बच जाएंगे, बाकी के सभी लोगों की मौत हो जाएगी। और तो और, सन 2032 से सतयुग की शुरुआत भी हो जाएगी। भविष्य मालिका के और भी प्रिडिक्शन को बताने से पहले हम जान लेते हैं इस पुराण के बारे में। तकरीबन 600 वर्ष पूर्व 16th century में इंडिया के उड़ीसा राज्य में एक काफी प्रसिद्ध और विद्वान संत हुआ करते थे जिनका नाम अच्युतानंद दास था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिसके बल पर ये भूत, भविष्य और वर्तमान को सही तरह से प्रिडिक्ट कर सकते थे। संत अच्युतानंद जी विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ उनके सहयोगी 4 संत और थे जिन्हें भी काफी सिद्धियां प्राप्त थी। इन 5 संतों के ग्रुप ने मिलकर एक ऐसे ग्रंथ को क्रिएट किया जिसमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट से जुड़े राज का उल्लेख किया और इस ग्रंथ का नाम रखा भविष्य मालिका। भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग की एक्चुअल एज जो कि 4,32,000 साल है, वो घटकर मात्र 5,000 साल की रह गई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस धरती लोक में लोगों द्वारा किए जाने वाले पाप का भार काफी बढ़ गया है। वैसे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब सतयुग का आरम्भ होगा तो कल्कि भगवान का जन्म संभल नामक गाँव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। और भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उड़ीसा के संभल गांव में ऑलरेडी हो चुका है और ग्रंथों के अनुसार ये एक दिव्य गांव होगा जिसको वहां पर रह रहे लोग को देखना हर इंसान के बस की बात नहीं होगी। इसे केवल सिद्ध पुरुष ही देख सकेंगे। इस ग्रंथ में बताया गया है कि पुरी के राजघराने में पुरुषोत्तम देवराज के बाद भविष्य में कोई दूसरा राजा नहीं बचने वाला है, केवल एक फीमेल संतान ही बचने वाली है। तो इस प्रिडिक्शन को अगर रीसेंट टाइम में देखा जाए तो इस टाइम पुरी के राजा देव सिंह हैं और उनकी एक ही फीमेल चाइल्ड है। और इस ग्रंथ के मुताबिक डराने वाली प्रिडिक्शन ये है कि दुनिया का अंत और युग परिवर्तन पुरी के अंतिम राजा की मृत्यु से पहले ही होगा। और भविष्य मालिका के प्रिडिक्शन के माने तो सतयुग की शुरुआत राजा देव सिंह की मृत्यु के पहले ही होगी। इस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तभी सृष्टि का अंत स्टार्ट हो जाएगा जो कि शुरू होने वाला है 2024-25 में। इस ग्रंथ के अनुसार कई ऐसे संकेत होंगे जो ये बताएंगे कि कलयुग का अंत आने वाला है। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर कलयुग के अंत का संकेत देने वाला है। तो आखिर वो संकेत है क्या? तो सबसे पहले उन संकेतों के बारे में जानते हैं। इस ग्रंथ को लिखे हुए तकरीबन 600 वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच में कितनी ही पीढ़ियां आईं और गई, लेकिन आज तक ये कभी नहीं हुआ कि जगन्नाथ मंदिर के झंडे पर आग लगी। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर के झंडे में यदि आग लग गई, चाहे वो आग किसी भी कारण से लगी हो, तो ये इस बात का संकेत होगा कि कलयुग का अंत निकट है। 26 मार्च 2020 वो दिन था जब मंदिर के झंडे में आग लग गई। दूसरे संकट के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चिड़ियों का बैठ जाना। वैसे तो ये बहुत ही रेयर है कि मंदिर के झंडे के इर्द गिर्द कोई चिड़ियों का झुंड देखा गया हो,
लेकिन तकरीबन 3 सालों से ये देखा जा रहा है कि मंदिर के झंडे के आसपास चिड़ियों का बैठना पड़ गया है, जो कि नॉर्मली पहले नहीं हुआ करता था। और इस बात का साइंटिफिक रीजन ये है कि मंदिर समुद्र के बेहद करीब है और समुद्र हवाओं के प्रभाव से मंदिर की छत पर चिड़ियों का एक जगह बैठ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। भविष्य मलिका ग्रंथ में इस घटना का जिक्र मिलता है, उसमें ये कहा गया है कि जब मंदिर की छत पर चिड़ियों का बैठना इस कदर बढ़ जाएगा कि इंसान उसे ऑब्जर्व करने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि कलयुग का अंत निकट है। ग्रंथ के मुताबिक जब उड़ीसा में भयंकर तूफान आएगा तो मंदिर में उपस्थित पवित्र बरगद का पेड़ यानी कि कल्प वृक्ष टूट जाएगा और उसके बाद दुनिया में प्रलय का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगे जिसका इलाज कर पाना डॉक्टर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएंगी। साल 2024 में धरती की धुरी बदलेगी, जिसके बाद एक के बाद एक भूकंप आएंगे। भविष्य मलिका ग्रंथ के अनुसार 2025 के बाद का वक्त बहुत बुरा होगा। इस समय वही लोग बचेंगे जो धर्म और सच के रास्ते पर चलेंगे। आसमान में 2 सूरज निकले दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि हाल ही में कोलंबिया के एक गांव में अचानक एक साथ 2 सूरज नजर आए, जिसे देख लोग हैरान थे। ये कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट के अनुसार है, एक सूर्य होगा और दूसरा आसमानी पिंड होगा। ये पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जो उड़ीसा को जलमग्न करेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ के और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी पहुंच जाएगा। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी तरफ महायुद्ध होगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने से होगी। इस युद्ध के दौरान सारे देश मिलकर इंडिया पर हमला कर लेंगे, लेकिन अंत में जीत इंडिया की ही होगी। भविष्यवाणी के मुताबिक लोग कटी पतंगों की तरह मरेंगे और दुनिया की जनसंख्या 64 करोड़ बच जाएगी। धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा। दुनिया के कई शहरों और गाँव में बाढ़ से बर्बादी होगी। जल प्रलय की वजह से जंगली जानवर गाँव और शहरों में घुस जाएंगे। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। समुद्र के आगे बढ़ने से दुनिया भर में तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की जान को खतरा बनेगा और कई तटीय इलाकों को जमीन समुद्र में विलीन हो जाएगी। साल 2023 में धरती में कई भूकंप जनवरी के महीने से ही आना शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के महीने तक लगातार चलते रहेंगे। भूकंप की वजह से जान माल का बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान आएंगे। ये तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में केवल तेज नहीं होंगे, बल्कि इनकी संख्या भी ज्यादा होगी। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। ये आग इतनी भीषण होगी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया भर के जंगलों में हर साल भीषण आग लगने की घटनाएं आम होती जाएंगी। इस बुक में ये भी लिखा गया है कि आने वाले टाइम में मक्का मदीना में एक ऐसा युद्ध होगा कि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि भविष्य मलिका में लिखी गई ये भविष्यवाणियां सच है? चलिए सबसे पहले कोविड के बाद से चर्चा में आए इस भविष्य मलिका ग्रंथ के नाम से चल रहे फ्रॉड या यूं कहे काले सच पर से पर्दा हटाने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 600 वर्षों पूर्व क्या कोई ऐसा रहा होगा जो सैटेलाइट जैसी चीजों के बारे में जानता होगा? और तो और, उस समय में आज के समय जैसा अलग अलग देश भी नहीं थे, तो ये सारी भविष्यवाणियां कैसे की गई? सारे देश मिलकर इंडिया पर हमला करेंगे और जीत इंडिया की होगी? दोस्तों, ये सब करनी है कुछ ऐसे लोगों की जो कि सीधे सीधे लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर बेवकूफ बनाकर खुद की पॉकेट गर्म करने का काम करते हैं। दोस्तों, भविष्य मलिका पुस्तक उड़िया में लिखी गई थी। एक ऐसी ग्रंथ है जो कहां पर रखी गई है किसी को पता भी नहीं है, तो ऐसे में उस ग्रंथ को ट्रांसलेट करना कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, ये सब किया धरा उन मुनाफखोरों का है जो लोगों को डराकर उन्हें बेवकूफ बनाकर अपनी वाहवाही करने और जेब भरने में लगे हुए हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, जिस तरह से हम मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक ना एक दिन प्रकृति द्वारा विस्फोट तो होगा ही, लेकिन वो सब कैसे होगा, कब होगा, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। ये जो भविष्य मलिका के नाम पर लोगों को डराने का काम जारी कर रहे हैं, उसे अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए पहचाने और जागरूक बने, क्योंकि फ्रेंड्स, वातावरण और समाज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ इन्फ्लुएंसर्स पवित्र ग्रंथ भविष्य मलिका के नाम पर
लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उनके हिसाब से भविष्य मलिका में कल्कि अवतार के द्वारा होने वाले विनाश को वर्ल्ड वॉर 3 से जोड़कर दिखाया जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि हमारे पुराणों के हिसाब से जब कल्कि जी द्वारा विनाश लीला शुरू होगी तो उसकी व्याख्या भी कर पाना पॉसिबल नहीं है। भगवान के नेतृत्व में होने वाला ये विनाश इतना भयानक होगा कि इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना गलत होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें जागरूक होना होगा और अपने दिमाग के फ्यूज बल्ब को फिर से जलाना होगा, ताकि कोई भी ऐरा गैरा धर्म और डर के बल पर हमें कमजोर ना बना सके। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप खुद समझदार हैं। अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।